स्टूडियो में हम कार एसी काम नहीं करने के सबसे कॉमन रीजन बताएंगे कि कार एसी किन किन वजह से काम नहीं करती और वो कौन ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हमारा एसी सबसे ज्यादा खराब होता है। दोस्तों, कार एसी में आने वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसके पहले वीडियो में मैंने एसी के रिले और फ्यूज को चेक करने का तरीका बताया था और उसके दूसरे वीडियो में मैंने एसी कंप्रेसर में हमारा जो मैग्नेट कॉइल होता उसमें जब प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते वो सब मैंने दिखाया था। ये हमारा एसी कंप्रेसर है जिसमें हमारा दो पाइप है, ये एसी कंप्रेसर, और इसमें अगर इसमें हमारा मैग्नेट कॉइल होता है तो वो ख़राब हो जाता है तो आप उसको चेक कर कैसे कर सकते इस चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। दोस्तों, कार एसी में सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा जो एसी गैस होता है वो एसी सिस्टम से हमारा लीक हो जाता है जिसकी वजह से हमारा एसी काम नहीं करता है। तो ये हमारा एसी का पाइप है, ये हमारा दो एसी का पाइप है, एक हमारा लिक्विड पाइप है और एक हमारा सक्शन पाइप है। एक पाइप का जरिए हमारा जो गैस है कंप्रेसर से कंडेंसर से होकर हमारा कूलिंग कॉइल में जाता है और दूसरा पाइप से हमारा कूलिंग कॉइल का गैस वापस हमारे कंप्रेसर में आता है। तो ये हमारा दो पाइप है, ऊपर वाला जो पाइप है वो हमारा सक्शन पाइप है और नीचे वाला जो पाइप है हमारा लिक्विड पाइप है। तो बम्पर के पीछे जो हमारा कंडेंसर होता है उसी कंडेंसर से हमारा होकर ये पाइप इस कूलिंग कॉइल में जाता है और उसके ऊपर वाला जो सक्शन पाइप है उस सक्शन पाइप से हमारा गैस होकर हमारा कंप्रेसर में जाता है। तो दो पाइप होता है, एक सक्शन पाइप और एक हमारा लिक्विड पाइप। तो कभी कभी ये पाइप लीक हो जाने की वजह से हमारा सारा का सारा गैस निकल जाता है जिसकी वजह से हमारा एसी काम नहीं करता है। तो ये हमारा एसी का दो पाइप है, जो मोटा वाला पाइप है वो सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप से हमारा जो कंप्रेसर है वो रेफ्रिजरेंट रिसीव करता है और बाकी जो पतला वाला पाइप देख रहे हैं ये हमारा डिस्चार्ज पाइप हो गया। इससे हमारा इस पाइप के जरिए हमारा जो गैस है रेफ्रिजरेंट है वो हमारा कंडेंसर में जाता है, जो सामने हमारा गाड़ी का सामने बम्पर का पीछे जो कंडेंसर होता है एसी सिस्टम का उसमें इस डिस्चार्ज पाइप के जरिए हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है और जो रेफ्रिजरेंट जो होता है वो काफ़ी गर्म होता है। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा कंडेंसर है और ये हमारा डिस्चार्ज पाइप है। इसी डिस्चार्ज पाइप के हेल्प से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है कंप्रेसर कंडेंसर को सप्लाई करता है और जो रेफ्रिजरेंट होता है वो काफ़ी गर्म होता है। काफ़ी गर्म होता है तो रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए हमारा रेडिएटर के पीछे फ़ैन होता है, वो रेडिएटर का कूलेंट को भी ठंडा करता है और जो रेफ्रिजरेंट होता है वो गर्म रेफ्रिजरेंट उसको भी ठंडा करता है। उसके अलावा जो पंचिंग है हमारा, जो तीन मुंह का जो पंचिंग आप देख रहे हैं, कभी कभी हमारा पंचिंग लीक हो जाता है जिसकी वजह से पंचिंग को दोस्तों रबर और अल्मोनियम को जोड़ने के लिए आपको ये पंचिंग किया जाता है। तो कभी कभी ये पंचिंग लीक हो जाता है जिसकी वजह से हमारा एसी का सारा गैस निकल जाता है और हमारा एसी काम नहीं करता है। तो कभी कभी दोस्तों ये दो पाइप हमारा गाड़ी के अंदर जो कूलिंग कॉइल होता है उसमें जाता है। सबसे पहले पाइप है, उसके बाद हमारा एक्सपेंशन बल्ब है और इसके अंदर हमारा कूलिंग कॉइल है। तो एक्सपेंशन बल्ब हमारा कूलिंग कॉइल के अंदर गैस को स्प्रे करता है। तो सबसे पहले मैं कूलिंग कॉइल में आने वाले प्रॉब्लम्स को आपको बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड के अंदर हमारा कूलिंग कॉइल होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। ये हमारा कूलिंग कॉइल है और ये हमारा एक्सटेंड गाड़ी का हमारा कूलिंग कॉइल है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि ये लीक हो जाता है। तो ये देख सकते हैं इसका फिन में कभी कभी वो गंदगी बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारा हवा का फोर्स, ब्लोअर से हवा का फोर्स जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है इसका फिन में गंदगी बढ़ जाने से, और कभी कभी ये डैमेज होकर लीक हो जाता है जिसकी वजह से गैस निकल जाता है और हमारा एसी काम नहीं करता है। तो अगर ये लीक हो गया तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको चेंज ही करना होगा और इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। इसको लीक हो जाने से आपको कूलिंग कॉइल को चेंज करना होता है। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें जब गंदगी बैठ जाता है तो हवा का फोर्स हमारा गाड़ी के अंदर जितना आना चाहिए उतना हवा हमें नहीं मिलता। इस पाइप में से जो ऊपर वाला जो मोटा पाइप है उस पाइप से हमारा रेफ्रिजरेंट होकर हमारा कंप्रेसर में जाता है और कंप्रेसर फिर कंप्रेस करके हमारा गैस को कंडेंसर में भेजता है, फिर कंडेंसर से होकर उस पतले वाला पाइप से फिर एक्सपेंशन बल्ब और फिर हमारा इस कूलिंग कॉइल में आता है। इसके बाद हम कंडेंसर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कंडेंसर का लोकेशन गाड़ी के जस्ट बम्पर के पीछे और जब भी गाड़ी में आपको सामने से धक्का लगता है तो ये लीक हो जाता है। अब ये हमारा कंडेंसर है। अब इसमें दो तीन प्रॉब्लम आता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये आता है कि जब गाड़ी को सामने से धक्का लगता है तो ये हमारा कंडेंसर, जो आप फ्लैट पाइप जो देख रहे हैं, फ्लैट लाइन जो देख रहे हैं, वो हमारा दरअसल कंडेंसर का पाइप है। वो बहुत ही पतला पाइप होता है और इसी के अंदर से होकर हमारा गैस फ्लो होता है। और ये जो पाइप देख रहे हैं, ये यही हमारा कंडेंसर का पतला पाइप है, इसी के अंदर से रेफ्रिजरेंट होके जाता है।
और कभी भी किसी वजह से भी अगर सामने से धक्का लगता है तो हमारा ये पाइप लीक हो जाता है, लीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा गैस बाहर आ जाता है। कभी कभी हॉर्न लग के भी लीक हो जाता है, या कभी कभी बम्पर के पीछे बहुत सारा कवर वगैरह होता है, प्लास्टिक का कवर, या किसी वजह से भी आपका फिक्सन हो गया, घस के आपका ये पाइप लीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सारा का सारा गैस निकल जाता है। तो ज़्यादातर ये लीक होता है आपका जब गाड़ी को सामने से धक्का लगता है, धक्का लगने के वजह से हमारा सबसे ज़्यादा कंडेंसर लीक होता है। तो दूसरा प्रॉब्लम इस कंडेंसर के अंदर ये आता है, इसके जो आप फिन देख रहे हैं, इस फिन के अंदर धूल मिट्टी बैठ जाता है, जिसकी वजह से ये कंडेंसर काफ़ी हीट होता है। दोस्तों, कंप्रेसर से जो गैस इस कंडेंसर में आता है वो काफ़ी हीट होता है, और उसको ठंडा करने के लिए हमारा एक रेडिएटर फ़ैन होता है। तो रेडिएटर फ़ैन हमारा इंजन का जो कूलेंट होता है उसको भी ठंडा करता है, और इस कंडेंसर का जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो हॉट रेफ्रिजरेंट होता है, इसको भी ठंडा करता है। और जब भी हमारा कंडेंसर और रेडिएटर के फिन के अंदर गंदगी बढ़ जाता है तो हमारा रेडिएटर फ़ैन इस कंडेंसर और रेडिएटर को ठीक से ठंडा नहीं कर पाता है, गंदगी बढ़ जाने की वजह से, जिसके वजह से ये हमारा ओवरहीट होता है और हमारा एसी वर्क ठीक से नहीं करता है। इसके अलावा हमारे इस कंडेंसर से दो पाइप आके लगता है, एक कंप्रेसर से होकर इस कंडेंसर में आता है, इसको डिस्चार्ज पाइप कहते हैं, वो पाइप लीक हो जाता है। ये हमारा डिस्चार्ज पाइप है, ये कंप्रेसर से होकर हमारा उस कंडेंसर में जाता है, और दूसरा पाइप हमारा कंडेंसर से होकर कूलिंग कॉइल में जाता है। ये दो पाइप लीक होने की वजह से भी हमारा एसी वर्क नहीं करता, और बाकी जो हमारा सक्शन पाइप बच गया वो बहुत ही कम लीक होता है। सबसे ज़्यादा हमारा डिस्चार्ज पाइप और लिक्विड पाइप लीक होता है। अब हम एसी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारा गाड़ी का कंप्रेसर है। पहले हम कंप्रेसर में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। इसमें दो होल जो आप देख रहे हैं उसमें दो पाइप टाइट होता है, और कभी कभी इस जॉइंट से गैस हमारा लीक हो जाता है, जिससे हमारा एसी काम नहीं करता। इसका सॉल्यूशन ये है कि पाइप को कंप्रेसर में लगाने से पहले ओरिंग लगा के टाइट किया जाता है। दोस्तों, ओरिंग रबर का होता है, और जब वो डैमेज हो जाता है तब हमारा कंप्रेसर का जॉइंट से गैस लीक हो जाता है। तो ओरिंग को चेंज करने से आपका इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कंप्रेसर में आने वाला दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा कंप्रेसर के अंदर एक पैकिंग होता है। अब देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का जो है वो हमारा कंप्रेसर का पैकिंग है। कभी कभी ये पैकिंग लीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा गैस निकल जाता है और हमारा एसी काम कर देना बंद कर देता है। दोस्तों, कंप्रेसर का जॉइंट में इस पैकिंग को दिया जाता है, और जब ये पैकिंग ख़राब हो जाता है तो हमारा कंप्रेसर लीक हो जाता है। तो इस पैकिंग को चेंज करने से आपका इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दोस्तों, पैकिंग के अलावा हमारा कंप्रेसर के अंदर एक ऑयल सील होता है, कभी कभी ऑयल सील भी लीक हो जाता है। दोस्तों, कंप्रेसर के अंदर आने वाले सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। दोस्तों, कंप्रेसर का बाहर का पार्ट जैसे मैग्नेट कॉइल, पुली और क्लच प्लेट वगैरह में जब प्रॉब्लम आता है तो ये सब चीज़ रिपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा हमारा कंप्रेसर का पाइप का जॉइंट होता है वो सब लीक हो जाता है, तो ओरिंग चेंज करने से हमारा इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा हमारा कंप्रेसर का जो पैकिंग होता है और ऑयल सील होता है, जब ये सब चीज़ खराब हो जाता है तो कंप्रेसर खोल के इस सब चीज़ को रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन जब कंप्रेसर अंदर से खराब हो जाता है, जब इसका पिस्टन वगैरह खराब हो जाता है, तो इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस कंडीशन में हमें कंप्रेसर को चेंज करना पड़ता है। तो ये थी पूरी वीडियो। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।